वो आपका कानों से बहरी इसलिए है कि किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी, वो हाथों से लूबी इसलिए है कि उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया, वो पैरों से लंगड़ी इसलिए है कि कभी घर की दहलीज से कदम बाहर नहीं निकाला। इसलिए मैंने कहा था, क्या समझे मेरे प्यारे, बिना तफसील समझो, जब ऐसे पाक 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 सीरत पाक दीनत पाक पाक दोनों भूसे कुर्सियां आपस में मिलते हैं तो वो से आराम है। अल्हम्दुलिल्लाह ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين استيج پر رونق خروج علماء ذوي الاحترام और इस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमान, आइए सबसे पहले पूरे हुजूर कल्ब के साथ अपने कल्ब को इश्क व मोहब्बत से सरशार करके मदीने की पुरबहार गलियों का तसव्वुर करके गुंबद खजरा के हसीन तसव्वुरात में खोकर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बत से झूम झूम कर पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ दरूद पाक पढ़े। अल्लाह से सबसे ज्यादा वही डरते हैं जो अल्लाह की सबसे ज्यादा मार्फत रखते हैं। अल्लाह से सबसे ज्यादा वही डरते हैं जो अल्लाह की सबसे ज्यादा मार्फत रखते हैं।
ये बज़्मे मोहब्बत जो सजाई रही है, मीर मीरा पीर मीरा महबूब सुखानी गौस सस्तानी शहबाज लामकानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, उनकी जिक्र महफिल हमने सजाई है ताकि इस जिक्र से बरकतें और सआदतें हासिल। मेरे प्यारे गौस आलम के हवाले से आप ये तो सुनते ही रहते हैं कि गौस आलम ने डूबती हुई कश्ती को निकाल दिया या मुंडे को ठोकर मारी, जिंदगी पैदा हुआ, ये सब तो सुनते रहते। अरे गौस आलम थे तब ना मुंडे को जिंदा कर दिया, गौस आलम थे आज मैं आपसे बात करूंगा ये गौसे आजम गौसे आजम बने कैसे, गौसे आजम बनते कैसे, गौसे आजम बने कैसे, गौसे आजम हो गए मुर्दे को जिंदा कर दिया, गौसे आजम हो गए डूबती कश्ती को निकाल दिया ना, लेकिन ये गौसे आजम बने कैसे। मेरे प्यारे ऐसे नहीं बन गए, दुनिया में लोग आते हैं रियाजत की जिंदगी गुजारते हैं, मुजाहिदात की जिंदगी गुजारते हैं, अमर की जिंदगी गुजारते हैं, मुत्तकी होते हैं, शब्बेदार बनते हैं, नवाफी अदा करते रहते हैं, एक हसरत में एक ख्वाहिश में उम्र गुजर जाती है कि रब का मुझे कुर्ब हासिल हो, तो मेहनतें करते हैं, काविशें करते हैं, कोशिशें करते हैं, तो अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है, मलायत की सब में वो आते हैं। लेकिन मेरा बॉस वो बॉस है जो विलायत लेकर पैदा हुआ, वो विलायत लेकर पैदा हुआ। लोग दुनिया में आने काबिशें मेहनतें रियाजत मुजाहिदा तकवे की जिंदगी गुजारने के बाद विलायत पाते हैं, और गौस आजम वो गौस आजम है जो विलायत ले आपकी विलायत छुटी भी नहीं रही, ऐलान भी हो गया, पैदा हुए विलायत लेकर और विलायत की पैदाइश के साथ ही आपकी विलायत के साथ पैदा हुए और आपकी विलायत का बचपने ही में ऐलान भी हो गया। गौसे आजम 29 शाबान को पैदा हो गए, चांद रात रमजान है आगे अगले दिन रमजान है, पैदा हुए 8-10 घंटे का वक्त गुजरा है पैदा हुआ, सेरी का वक्त आ गया, सारे मुसलमानों ने सेरी खाई रोजा रख लिया अगले दिन, गौसे आजम 8 घंटा पहले ही पैदा हुआ। और हाल ही है कि जब सेरी का वक्त खत्म हुआ तो गौसे आजम ने भी अपनी मां का दूध पीना छोड़ दिया, और उस वक्त तक नहीं पिया जब तक के सारे मुसलमान अफ्तार के वक्त अफ्तार नहीं कर रहे थे। 8 घंटे पहले गौसे आजम पैदा होते हैं, 8 घंटे के बाद ही से विलायत का जरूर शुरू हो जाता है, सेहरी का वक्त खत्म गौसे आजम मां का दूध पीना छोड़ देते हैं, जब अवतार का वक्त होता था तभी मां का दूध पीते हैं। लेकिन ये बात तो गौसे आजम अपनी वादा के दरमियान थी, गलतियां ही के दरमियान थी, दुनिया ने कैसे जाना, बात तो यही ना महबूब सुखानी है गौसे सुल्तानी है अल्लाह के महबूब है। तो आप देखिए पूरा महीना गुजर गया गौसे आजम का यही मामला, शेरी का वक्त खत्म मां का दूध पीना छोड़ दिया, जब अवतार का वक्त आता था तो मां का दूध पीते। अब आए 29 रमजान, ईद की चार चांद बता बगदाद के दारुल कज़ा में सारे उलमा बैठे हुए, आज गुजार वहां के हुए बैठे हुए, सारे उलमा बैठे हुए, चांद की रुयत पर बहस चल रही है, जो शाहिद आ रहे हैं रुयत के गवाह आ रहे हैं उनसे चेहरे पर पता हो रही बहस हो रही, नहीं तुम्हारी गवाही मुतबर नहीं, इसमें यह नक्शा है इसमें यह नक्शा है, करते करते सुबह सेहरी का वक्त हो गया, लोगों ने कहा कि भाई बहस होती रही कि सेहरी कर ली पर सेहरी का वक्त भी खत्म हो जाए, लोगों ने सेहरी भी कर ली वक्त भी खत्म हो गया। उस मजलिस में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आलिम भी मौजूद थे, उन्होंने कहा रात भर आप लोग
شہادت پر بحث کرتے رہے, کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. لیکن میں آپ کی بارگاہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر وہ قبول نہ کریں لیکن میری رائے ہے, اس پر بھی اس مشورے کو بھی سن لیجیے. کہا وہ کیا؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ ایک سادہ سید صاحب کے گھرانے میں بچہ پیدا ہوا جو سحری ختم ہونے کے بعد ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے, اور جب افطار کا وقت آتا ہے تب بھی دودھ پیتا ہے, اور پورے ایک مہینہ اسی معمول پر اس بچے نے زندگی بلا. تو چلو چلتے ہیں سید صاحب کے گھر, پوچھ لیتے ہیں, سحری کا وقت ختم ہو گیا, پوچھتے ہیں کہ بچے نے دودھ پیا کہ نہیں. علماء نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے, ہاں ہاں بالکل, یہ کنفرم بات ہے. چلو یہ کوئی شہید نبی تو نہیں بن سکتی, لیکن تم کہتے ہو تو چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ واقعی حقیقت ہے. یہ سارے علماء کی جماعت سید صاحب کے گھر پہنچتی, حضرت موسیٰ جنگی دوست, صالح موسیٰ جنگی دوست کی بارگاہ میں در دولت پہ پہنچی. آپ کے والد نگر آ گئی. اب سیدھی تو بالکل اجالا تو نہیں ہوتا, اندھیرا ہی تھا. دروازہ کھٹکھٹایا, ناک کیا, صالح موسیٰ جنگی دوست باہر آیا. آپ کے والد نگر آ گئی. اتنے سارے علماء کو دیکھا تو پریشان ہو, کیا معاملہ ہو گیا بھائی؟ آج تو پورے بغداد کے وہاں میرے دروازے پہ بات خیریت تو ہے, آپ حضرات کی یہاں تشریف آبی کا سبب کیا ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں, ہم کچھ ایسی بات لے کر نہیں آئے, ہم صرف ایک بات جاننا چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں جائیں, اپنی اہلیہ محترمہ سے یہ پوچھ لیں کہ بچے نے دودھ پیا یا نہیں پیا. اب حضرت صالح موسا جن کی دوست بھی ہے نا, ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے بیٹے کا یہ معمول ہے, یہ معمول حیرت. اس سے آپ کا کیا تعلق کہ میرے بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ یہ کون سا سوال لے کر آپ میرے پاس آ گئے؟ کہا نہیں نہیں, میری گزارش ہے آپ یہ پوچھ لیں اپنے اہلیہ سے. خیر وہ گئے, کہیں بڑے بڑے علماء موجود تھے, گئے اندر, اہلیہ سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, یہ سارے علماء کھڑے ہیں پوچھتے ہیں کہ بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا. آپ کے اہلیہ بھی اس پر ہاں ہاں لگتا ہے یہ خبر باہر ہو گئی, آپ کا جو یہ شہزادہ ہے سیری کے بعد جب سیری کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو دودھ پینا چھوڑ دیتا تھا, اور افطار کے وقت ہی دودھ پیتا تھا, یہ اس کا معمول رہا ہے. تو کیا آج اس نے پیا؟ لیکن آج تو پیا گیا, آج تو پیا ہے. صالح موسیٰ جن کے دوست باہر تشریف لاتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کی خبر صحیح تھی, مجھے بھی نہیں ملا تھا میرے بچے کا یہ معمول رہا ہے, لیکن آج اس نے سحری کے بعد دودھ پیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اب کل عید ہے, عید ہے, اب تلاش کرو, جان تو ہوا ہے, گواہ تلاش کرو, شاہد تلاش کرو, جان ہوا ہے, غوث اعظم نے دودھ پی لیا, بچے نے دودھ پیا, اس کا مطلب یہ کہ جان ہوا ہے, رویہ تلاش کرو. یہ کہہ کر پھر سب لوگ دار القضا میں آتے ہیں, دوڑو اطراف و اکناف میں لوگوں کو, کیونکہ اسے شرعی دلیل نہیں بنا سکتے, گواہی چاہیے, تو دوڑو یہ یقین کر لو کہ چاند ہوا ہے. اب اطراف و اکناف میں علماء دوڑے جائیں, دیکھنے تلاش کریں, کوئی نہ کوئی رویت مل ہی جائے گی. جیسے ہی دار القضا میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ 50 لوگوں کی ایک جماعت پہلے سے وہاں بیٹھی ہے. آپ کو کیسے نشیتا ہے, بلا گاؤں سے آئے حضرت رات بھر چل چل کے یہاں پہنچے ہیں روحیت کی گواہی دینے کے لیے, ہم سب نے جانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت غوث اعظم, حضور قائد ملت, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے غوث اعظم وہ غوث اعظم ہے جو ولایت لے کر پیدا ہوا, اور بچپن ہی میں آپ کی ولایت کا اعلان بھی ہو گیا. ایسے بنتے ہیں ایک شخص ہے, اجنبی شہر میں, اس شہر کے لیے وہ اجنبی ہے, اسے کوئی بھی شہر میں نہیں جانتا. نوجوان ہے, خوب روح ہے, حسین ہے, خوددار ہے, غیرت مند ہے, حیادار ہے, دین کا پاس ہے, خشیت الہی ہے. ایک ایسا نوجوان, ایک ایسے اجنبی شہر میں, اس کے پاس جتنے وسائل تھے ضروریات کو حاصل کرنے کے, روپے پیسے سب ختم ہو گئے, اس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں, کئی دن سے فاقی کی زندگی گزر رہی ہے, وہ کسی کام کی تلاش میں آیا نہیں ملا, جو کچھ وسائل تھے ختم ہو گئے, اب فاقہ کر رہا ہے, لیکن خودداری ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا,
अपने चेहरे से भी जाहिर नहीं होने देता कि मैं भूखा हूं। और वो आबादी से बाहर निकला तो देखा क्या कि एक नदी बह रही है, नदी के किनारे किनारे भारी कदमों से बिल्कुल चला जा रहा है। नदी इधर जा रही थी, वो उसके मुखालिफ सिंध में जा रहा था। चलते चलते देखता क्या है कि नदी के ऊपर सबसे आप और एक शेर तैरता हुआ था। 7 दिन का भूखा था, शेर को पानी में बहते हुए देखा, पानी में उतरा, उठाया उठाया, अभी एक ही बाइट ली है, एक ही बार उसने एक ही बड़ा शेर तक चला निकाल दिया। ख्याल आया ये सेब है, ये कोई जल्दी फल नहीं है, ये सेब है। जब ये सेब है इसका कोई मालिक भी होगा, और मैंने तो बगैर उस मालिक के इजाजत के उसका सेब खा लिया। अरे ये तो मैंने जुर्म कर दिया, ये तो मुझसे गुनाह हो गया। अब इस गुनाह के एहसास से उस नौजवान को इतना परेशान किया, इतना बेचैन हो गया कि उसने बस एक ही टुकड़ा खाया था फिर हाथ में सेब लिए हुए। अब वो लौटा जिधर से सेब बहता हुआ आ रहा, चलते चलते बहुत दूर जाकर देखा क्या कि नदी के किनारे एक बॉडी वाल है, उसके अंदर सेब का पेड़ है, उसकी एक जाल पानी पर लटकी हुई है। ख्याल हुआ कि शायद इसी जाल से सेब टूटा होगा, पानी में गिरा होगा। उस बाग के मालिक के पास आता है वो नौजवान, दरवाजा लॉक करता है। बाग के मालिक बाहर निकलते हैं, बोलते हैं शहजादे आप कौन है, आपको यहां के लिए लगते मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा, आपको मुझसे क्या जरूरत है, आप किसने तशरीफ लाया। कहा कि मैं आपका मुजरिम और मैं अपने जुर्म की इंतकाब के लिए आया, उससे गुनाह हो गया, उसकी माफी मांगने आया है। तो नौजवान मैं तो आपको पहचानते ही नहीं, आपने कौन सा गुनाह मेरे लिए किया, कौन से मुजरिम आप लोग हैं। कहा ये से आपकी बात का टूट कर पानी में गिरा था, मैं भूखा था और मुझे ख्याल नहीं रहा, मैंने उठाकर खा लिया, लेकिन मैंने एक ही टुकड़ा खाया, ये सेब मुकम्मल है, और ये गलती के बगैर इजाजत के आपने खाया, इस जुर्म की माफी मांगने आपसे आया। वो बाग के मालिक भी साहब बड़े जौहरी थे, उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा ये तो कोई आम इंसान नहीं है, ये तो आज मेरी दहलीज पर कोई हीरा आ गया। ऊपर से नीचे तक देखा, गौर से देखा, मुस्कुराया, हां शहजादे तुमने गलती तो की, और हर गलती की एक सजा होती है, तुम्हें भी सजा तो मिलेगी, सजा तुम्हें कबूल करनी होगी। कहा मैं हर सजा अपने जुर्म की कबूल करने को तैयार हूं, आप बताएं मुझे कौन सी सजा देते हैं, मैं बखुशी उस सजा को तस्लीम करूंगा, उससे जुर्म हुआ है, खुदारा आप मुझे सजा दें, मैं सजा पूरी करूं, मैं वो मुझे गवारा है, लेकिन इस जुर्म के एहसास का बोझ लेकर मैं जी नहीं सकता, आप मुझे सजा दें ताकि मेरा जिस्म हल्का हो जाए। और परेशान कितना गैरतमंद नौजवान, इतना गैरतमंद, और फरमाया आज बात का खुदा शहजादे अंदर आ, सदा सरसो के उसके बाद कहना है। कहा बोले क्या सदा, कहा सदा ये है कि मेरी एक बच्ची है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ से गूंगी है, पैर से जंगली है, जबान से गूंगी है, आपको मेरी इस बच्ची से निकाह करना पड़ेगा। आपने फरमाया कि मैं माफी के लिए हर सजा कबूल करता हूं, लेकिन इस एहसास गुनाह के बोझ को मैं लेकर नहीं जिंदा रह सकता, मैं तैयार हूं। आप तैयार हैं? तैयार हूं। नौजवान बैठे हैं दरिल पे हाथ रखे होते हैं, वैसे तो जिंदगी भर माँ बाप का कहना नहीं मानते, लेकिन ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाए कहने का अम्मा से पूछ के आते, लेकिन कैसा दीन का पास रखने वाला, खशियत इलाही दिल में रखने वाला, कैसा गैरतमंद वो नौजवान था, कितना शरीफुल नफ्स था वो, कि वो जुर्म के एहसास से इस तरह परेशान था, उसने कहा मुझे मंजूर, बिला तामुल मंजूर, बिला तरद्दुद मंजूर, आप निकाह करेंगे लेकिन मेरे जुर्म को माफ कर, कहां शहजादे जुर्म माफ कर दूंगा लेकिन निकाह कराना पड़ेगा, तैयार आपका निकाह हो गया उस बच्ची से। बाप के बारे में कहा जाए क्या, वो आपका कमरा है, आपकी शरीक हयात इस कमरे में आपका इंतजार कर रही है। जब वो नौजवान उस कमरे में पहुंचता है, जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखता है, आपकी शरीक हयात पलंग से उतर के उतर जाती है,
और उतरने के बाद खड़ी होती है, खड़ी होने के बाद हाथ उठाकर सलाम करती है। अब यह है इन्होंने तो बताया था कि आंखों से अंधी है, अंधी थी तो मेरे आने को देखा कैसे, गूंगी है तो सलाम कैसे किया, लंगड़ी है तो खड़ी कैसे हुई, लूली है तो हाथ कैसे उठाया, बहरी है तो मेरे आने की आहट कैसे सुनी। अब ये फिर दोबारा में कंफ्यूजन कि कहीं लगता है कि मैं किसी बड़े चले जाते उल्टे कदम वापस आ जाते। जैसे ही दरवाजे से बाहर हुए वो बाप के मालिक आ रहे थे, उन्होंने पूछा शहजादे कहाँ जा रहे हो, कहा मैं फिर मुजरिम हो गया, फिर मुझसे गलती हो गई, लगता है मैं किसी गलत कमरे में चला गया। तो बाप के मालिक कहते हैं नहीं शहजादे, आप किसी गलत कमरे में नहीं गए, वही आपकी शरीक हयात है। फरमाया आपने तो कहा था कि आंखों की अंधी है वो तो देखती है, आपने कहा था कानों की बहरी है वो तो सुनती है, आपने कहा था जबान की गूंगी है वो तो बोलती है, आपने कहा था हाथ की लूली है वो तो हाथ उठाकर सलाम करती है, आपने कहा था पैरों से लंगड़ी है वो तो चलती है। कहा मैंने सच कहा था, वो आंखों से अंधी है इसलिए कि उन्होंने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, वो जबान से गूंगी इसलिए है क्योंकि जबान से कभी बुरे कलमात नहीं निकले, वो आपका कानों से बहरी इसलिए है कि किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी, वो हाथों से लूली इसलिए है कि उन्होंने किसी को जुल्म नहीं किया, वो पैरों से लंगड़ी इसलिए है कि कभी घर की दहलीज से कदम बाहर नहीं निकाला। इसलिए मैंने कहा था क्या समझे मेरे प्यारे बिना तफसील समझो, जब ऐसे पाक 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 सीरत पाक दीनत पाक पाक दोनों दूसरे कुर्सियां आपस में मिलते हैं तो वो से आना है। जब जैसे दो पाक सीरत खुदा शरीफ नफ्स पाक पाक साफ आपस में मिलती है तो गौसे आजम जैसे लोग तो पैदा है। मेरे प्यारे गौसे आजम अल्लाह अकबर बुर्ज अजमेर की रियासतों का शाह, ये जमाना जिस जमाने में आप जी रहे हो ये गौसे आजम का जमाना है। इमाम हसन अस्करी के बाद आपके पर्दा फरमाने के बाद गौसे आजम का जमाना शुरू हुआ, और जब तक हजरत इमाम मेहदी तशरीफ नहीं लाते ये जमाना गौसे आजम का जमाना है। ये जमाना गौसे आजम का जमाना है। मेरे प्यारे मैं उधर उधर की बात नहीं करूंगा, आज वही बात करूंगा जो गौसे आजम ने खुद फरमाया। गौसे आजम फरमाते हैं फरमाते हैं कि जब मेरी उम्र पर कुछ बड़ी बड़ी ढाई तीन साल चार साल की हुई तो एक दिन मैं अपने घर से बाहर निकला, मैंने देखा पहली बार मैंने देखा कुछ लड़के झूले में खेल रहे थे, उनको हैरत से मैं देखता रहा कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने भी घर से बाहर ही नहीं निकला, उनको खेलता हुआ देखा तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं उनमें शामिल हो, और जैसे ही उनके करीब गया शामिल होना ही चाहता था एक गजदार आवाज आई जो मेरे कानों से टकराई, हाय अब्दुल कादिर तुम जो करने जा रहे हो तुम इस काम के लिए पैदा नहीं किए गए हो। आप तसव्वुर कीजिए बहुत ज्यादा फरमाते हैं जब ये काम ये आवाज मेरे कानों से टकराई मैं बहुत ज्यादा हो गया और भागा हुआ गया मां की गोद में सर छुपा कर सोच गया। और सियासत फरमाते हैं जब चार साल चार महीने की मेरी उम्र थी और मकतब जाने का आया मामला मदरसे मदरसे में जाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब आप यहीं से आपने भी सलाह कर जहर नशीन कर लीजिए और सियासत विलायत लेकर पैदा हुआ और वली होने के बाद भी कहां जा रहे हैं मदरसे से, तो जब विलायत थी तो मदरसे जाने की जरूरत क्या थी। ये लोग जो दावा करते हैं ना तरीका अलग चीज है शरीयत अलग चीज है, ये सीना बसीना है तो गौसे आजम को तो पैदाइशी विलायत मिल गई थी, तब ये सीने वाले बतावे कि गौसे आजम को मदरसे जाने की क्या जरूरत है।
मेरे प्यारे, इस फिक्र गलत फिक्र को अपने दिमाग से निकाल दो। शरीयत और तरीका गलत चीज नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। बगैर शरीयत के तरीका गुमराही है, बगैर शरीयत के तरीका गुमराही है। शरीयत के बगैर तरीकत का कोई वजूद नहीं है। ऐसे ही जैसे कि किसी के सर में बाल ना हो और कोई दावा करे कि मैं मानव दाता हूं, मानोगे? बोलो, मानोगे? नहीं मानोगे तो यहां क्यों मान रहे? तमसीलन शरीयत बाल है, तरीकत उसकी मांग है। जैसे बगैर बाल के मांग नहीं निकल सकती, वैसे बगैर शरीयत के तरीकत नहीं पाएगा। आप समझ गए? शरीयत भी हिदायत है, तरीकत भी हिदायत है। और हिदायत के दो माना, जो लोग मदरसों में पढ़ते हैं शरीयत अजीब और बड़ी उन्हें अच्छी तरह से खबर है। हिदायत के दो माना क्या माना है? आए इरादत तरीक, ये हिदायत का माना। यानी मंजिल का पता बताना, ये भी हिदायत है। और दूसरा माना क्या हिदायत है? आए इसाल अल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना, ये भी हिदायत का माना। समझिए, हिदायत के दो माना, मंजिल का पता बताना ये हिदायत, मंजिल तक पहुंचाना ये हिदायत। बस यहीं से समझो, मदरसे मंजिल का पता बताती है और तरीका मंजिल तक पहुंचाती है। अब जिसे खुद मंजिल का पता ना मालूम हो, वो मंजिल तक पहुंचाएगा क्या? बहुत से आजम है विलायत लेकर पैदा हुए लेकिन मदरसे जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं। बहुत से आजम फरमाते हैं, जैसे ही मैं पहला दिन था मेरा मदरसे का, मैं बाहर निकला, मेरे साथ चार अजनबी लोग मेरे साथ हो गए। वो साथ साथ चलते रहे यहां तक कि मैं मदरसे पहुंचा। जब मदरसे के सहन में पहुंचा तो वो चारों लोग मेरे साथ सहन में आए, और जब शहर में मैं पहुंचा तो खड़े होकर उनमें से एक ने आवाज लगाई, क्या लोगो, अल्लाह के बली के लिए जहर खाली कर दो। बहुत ज्यादा फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त पता न था कि चार अजनबी मेरे साथ रोज मदद से कौन जाते थे। मुझे बाद में पता चला ये कोई और नहीं, अल्लाह के फरिश्ते थे। मकतब जाए तो शहर में खड़े होकर फरिश्ते आवाज लगाए, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। वही गौ से आजम फरमाते थे, जब मैं मकतब आता जाता था तो एक दिन मैंने क्या देखा कि मेरे मदरसे की दीवार के पीछे खेत है। मैंने उस खेत में देखा कि एक किसान बैल से हल जोत रहा था। दो बैल थे, वो हल चला रहा था। पहली बार हल जोतता गौर से देखता था, फिर मुझे ख्याल आया कि जो ये कर रहे हो आप, सोचो हमारे गौर से आजम का बचपन में ये हाल, अभी मकामे गौसियत पर नहीं है, ये बचपन है आपका। हाल ये है कि अगर जानवर के पीछे खड़े हो जाए पहुंचे तो ये मकाम। मेरे प्यारे, अब आपके लिए भी गौसे आजम की जिंदगी एक मिसाल बननी चाहिए मेरे प्यारे। अगर कुछ हो जाए मां को जिंदगी में तो बेटा शक्ल भी नहीं देख पाएगा, लेकिन क्या दीन का जज्बा। मेरी मां और बहनों, मेरे भाई बुजुर्गों, सोचो ये गौसे आजम की मां है कि 70 साल की उम्र में दीन सीखने के लिए, शरीयत का इल्म हासिल करने के लिए इस उम्र में 3 मकाम में सी देती थी। जब बगदाद पहुंचा तो इसको निकाल के इस्तेमाल कर, तो आपने बगल में जेब बनाया आपके कुर्ते में, उसमें शब्जी रख के सी से और काफले के हवाले कर दिया। अब काफला चला रेगिस्तान में, जब एक रेगिस्तान से काफला गुजर रहा था तो उस पर डाकू ने हमला कर दिया, सारे काफले को लूट लिया। बहुत ज्यादा उसमें
एक डॉक्टर आपके पास भी आया, आपके सामान की तलाशी ली और आपका पूरा सर्च किया ऊपर से नीचे तक, तो कुछ मिला ही नहीं। तो बड़ा उसको हैरत मिली कि भाई सबके पास तो कुछ ना कुछ मिला है, इस बच्चे के पास कुछ नहीं मिला। एक चलते चलते उसने पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है? साहब ने फरमाया, नहीं है, है? हमने तो ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। कहां है? कहा है यहां है, यहां है, बता दिया। उसने चटोला तो अश्वजिया दिया, कहा बेटी तो बच्चे ये बताओ, ये जानता हूं क्या है? कहा जानता हूं क्या है अश्वजी, इसकी कीमत का अंदाजा है तुम्हें? कहा मैं जानता हूं, बहुत कीमती चीज है, क्या इसकी जरूरत तुम्हें नहीं है? कहने की जरूरत भी बहुत है, जहां जा रहा हूं मेरा जानने वाला कोई नहीं, ये मेरी जरूरत की चीज है। फिर मैं तो तुमको तलाशी ले चुका था, तुमने बता क्यों दिया? ना बताते, ना बताते बच जाती। कहना हाँ मैंने बता इसलिए दिया, इससे भी एक कीमती चीज मेरे पास आ जाए, उसको बचाने के लिए इसको बताता। उस डाकू को हैरत हुई, अब उसने उनको आके वही छोड़ा, भागा वापस सरदार के पास गया कि बॉस खुदा की कसम दुनिया में ले जाने के लिए लोगों को हम लोगों ने लूटा है, लेकिन खुदा की कसम आज तक ऐसा लूटने वाला नहीं मिला, सच कर लिया, शर्फी नहीं मिली। और जब पूछा तो कहता है और ऐसी जगह रखी थी कि मैं वहां पहुंच भी नहीं पाता। जब मैंने पूछा कि कीमती है जानते हो, कहां जानता हूं, कहा जरूरत है, कहां जरूरत बहुत है, फिर भी बता दिया, कहा उससे भी कीमती चीजें मेरे पास, बॉस खुदा की कसम ऐसा जुटने वाला आज तक मुझे नहीं मिला। सरदार भागा हुआ है, सरदार भागा हुआ है, कहा मेरे आदमी ने तो सच कर लिया था, सच कर लिया था, नहीं मिला था, और तुम्हारी जरूरत भी है, कीमती भी तुम जानते हो, तो फिर आखिर आपने बताया क्यों? उससे ज्यादा कीमती चीज क्या है और कहां है? वो कीमती चीज क्या है जो इससे भी ज्यादा कीमती है और कहां है? कहा उस तक तुम्हारी रसाई नहीं हो सकती, उस तक तुम्हारी रसाई नहीं हो सकती। वो क्या है? कहा वो ये है कि जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी मां ने कहा था कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। इस कीमती चीज को बचाने के लिए मैंने शरीर कुर्बान कर दिया। मेरे प्यारे गौसे आजम की सीरत पढ़ो, पढ़ो तो समझोगे ना कि गौसे आजम बने कैसे। आप देखिए गौसे आजम का ये बचपना है, क्या है? बचपना है। गौसे आजम क्या क्या मैं अपना बताऊं मेरे प्यारे। अब आप देखिए बचपने की जिंदगी जब खत्म हुई, रियाजत और मुजाहदात की जिंदगी शुरू हुई। ये सुन लेना और कह देना तो बड़ा आसान है कि गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, ये कहना भी बड़ा आसान है, सुनना भी बड़ा आसान है, लेकिन मेरे प्यारे कैसे? जब गौसे आजम का बचपना खत्म हुआ, अब रियाजत और मुजाहदात की जिंदगी शुरू हुई, तो गौसे आजम ने जो मुजाहदात किए, अल्लाह अकबर, गौसे आजम एक साल तक कंप्लीटली सिर्फ जंगल की सूखी घास खाकर जिंदगी बिताई। तो जब एक साल गुजर गया तो दूसरे साल सिर्फ दरियाए दजला का पानी पीकर जिंदगी गुजारता, सिर्फ दरियाए दजला का पानी पिया। तीसरा साल आया तो आपने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, पूरे एक साल भूखे रहे। ये रियाजत और मुजाहदात की जिंदगी गौसे आजम ने की है। अब ईमानदारी से बताओ, एक साल सूखी खान, एक साल भजाए भजा का पानी, एक साल कुछ न खाना पीना, मुझे बताओ क्या जिसमें कोई कसावट बाकी रही होगी? क्या एक इंसान का जीना मुमकिन है? क्योंकि हम तो मादियत की बुनियाद पर जीते हैं ना, जिसम को रहना चाहिए, लेकिन गौसे आजम ना खाकर भी जिंदा है, तो इसका मतलब मादियत सब निकल गई,
सिर्फ लताफत ही लताफत है। गौसे आजम सबसे पांव तक नूर का पैकर बन गए, और जब पूरी मुकम्मल लताफत आ गई तो सिफते कुन के मजहर बन गए, और सिफते कुन के जब मजहर बन गए तो कहा तुम बिस्मिल्लाह ला तुम मुझे से ला मुर्दे जिंदा हो गए। ऐसे हो जाए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गौसे आजम की जिंदगी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ याद